वेलकम बेटा पार्ट नंबर टू ऑन द प्लेट टू प्लेन एंड डेजर्ट एंड द चैप्टर इज पैस्टोरलिस्ट एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो लास्ट वीडियो में बेटा हमने माउंटेन्स पैस्टोरलिस्ट के बारे में पढ़ा था एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट प्लेट टू प्लेन एंड डेजर्ट पैस्टोरलिस्ट। ओके चलिए वन बाय वन करते हैं कि लिमिटेड एग्जाम्पल्स हैं। चलिए नॉट ऑल द पैस्टोरलिस्ट ऑपरेट इन माउंटेन्स दे आर ऑल्सो फाउंड इन प्लेट टू प्लेन एंड डेजर्ट इंडिया। तो सबसे पहले हम बेटा महाराष्ट्र जो प्लेट टू है उसका एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं डांगर्स। तो यहाँ पे कम्युनिटी का नाम है, कल भी बता रहा था मैं बेटा कम्युनिटी के नाम से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं कई बार। तो नेक्स्ट कम्युनिटी हमारी डांगर्स। ओके वही द इम्पोर्टेंट पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र इन द अर्ली 20th सेंचुरी देयर पॉपुलेशन इन द रीजन वॉज एस्टिमेट टू बी 416,000। ओके तो 416,000 इनकी 20th सेंचुरी में पॉपुलेशन थी, काफी बड़ी है। मोस्ट ऑफ देयर वर शेपर्ड्स, अधिकतर शेपर्ड्स यानी शिप्स वगैरह रेयर करते हैं। सम वर ब्लैंकेट वीवर्स, और आजकल कुछ लोग ब्लैंकेट्स वगैरह बनाने लगे हैं, राइट। एंड स्टिल अदर वर बेफेलो हर्डर्स, अब भी बड़ी स्केल पे लोग बेफेलो ही चराते हैं, यानी कुछ ने शेपर्ड शुरू कर दिया, शिप्स वगैरह पानी शुरू कर दी, कुछ ब्लैंकेट वीवर, बट अब भी बेटा अदर्स जो है वो बेफेलो हर्डर्स हैं। द डांगर्स स्प्रेड्स स्ट्रेट इन द सेंट्रल प्लेटू महाराष्ट्र ड्यूरिंग द मानसून। तो जब मानसून सीजन होता है, बारिश होती है इंडिया में काफी ज्यादा बेटा, और वेस्टर्न कोस्ट पे जो बॉम्बे के आसपास की हम बात करते हैं, बॉम्बे से केरल तक, उसको उसमें बहुत हैवी बारिश होती है, उस टाइम बेटा ये सेंट्रल प्लेटू में सर्वाइव करते हैं। सेंट्रल प्लेटू मीन्स जो नागपुर का आसपास का एरिया जो बीच का है, ठीक है, शेडो जोन जो है। दिस वॉज ए सेमी इरिड रीजन, और ये बेटा सेमी इरिड रीजन है, ठीक है। हमने शायद याद होगा आपको ज्योग्राफी पढ़ा था बेटा, दो वेस्टर्न घाट है उसके वेस्ट साइड में ज्यादा बारिश होती है और ईस्ट में कम होती है। तो उसकी बात करें सेमी इरिड रीजन की, विद लो रेनफॉल एंड पुअर सॉइल इट वॉज कवर्ड विद थॉर्नी स्कर्ब्स। तो कंटिन्यू यहाँ वेजिटेशन है बेटा, राइट, नथिंग बट ड्राई क्रॉप्स लाइक बाजरा कुड बी शोन। तो यहाँ सिर्फ एक ही क्रॉप है बेटा जो ड्राई रीजन में होती है, दैट इज बाजरा या ज्वार वगैरह हो सकती है। इन द मॉनसून दिस ट्रैक बिकेम ए वॉश ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर द डांगर्स। तो मॉनसून टाइम में यहाँ अच्छे ग्रेजिंग ग्राउंड होते हैं जहां पे अपने पशु को चराते हैं बेटा। बाय अक्टूबर द डांगर्स हार्वेस्टेड देयर बाजरा, अक्टूबर के आसपास अपने वो बाजरा वगैरह काट लेते हैं एंड स्टार्टेड ऑन देयर मूव वेस्ट। इसके बाद बेटा वो वेस्टवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर हम डायग्राम देखें तो देखिए गुजरात के इस तरह से हम बात करते हैं, यहां से महाराष्ट्र स्टेट काफी बड़ा वाइड है बेटा, ओके इस तरह से, राइट। तो ये अधिकतर सेंट्रल प्लेटू इस एरिया में रहते हैं बेटा, और जब मानसून खत्म होता है अक्टूबर में तो इनकी मूवमेंट होती है वेस्टवर्ड, और इस एरिया में आके वो कई दिन सर्वाइव करते हैं विंटर में। देखिए सो बाय अक्टूबर द डांगर्स हार्वेस्ट देयर पाजा एंड स्टार्टेड टू मूव वेस्ट। आफ्टर मार्च ऑफ द मंथ दे रीच कोकण कोस्ट। कोकण कोस्ट याद होगा आपको बताया था बेटा, मुंबई टू गोवा, ये कोकण कोस्ट है। इस कोकण कोस्ट में बेटा एक महीने के चलने के बाद वो पहुंच जाते हैं। एंड दिस वाज ए फ्लोरिस एग्रीकल्चर ट्रैक विद हाई रेनफॉल एंड रिच सॉइल। तो यहाँ मॉनसून में अच्छी बारिश हुई थी, अच्छी रेनफॉल हुई थी बेटा, यहाँ पे लश ग्रीन फील्ड है। एंड हियर द शेपर्ड्स वर वेलकम बाय कोकनी पीजेंट्स, और यहाँ पे इनका स्वागत भी होता है, जो कोकनी पीजेंट्स है बेटा इनको काफी वेलकम करते हैं। आफ्टर द खरीफ, क्योंकि यहाँ जो समर क्रॉप हो चुकी है, खरीफ यहाँ भी हो चुकी है, वॉज कट एट द टाइम एंड द फील्ड हैज टू बी फर्टिलाइज एंड मेड रेडी फॉर द रबी हार्वेस्ट। तो सर्दियों की जो क्रॉप है उसको रबी बोलते हैं, गर्मियों की खरीफ कट चुकी है यहाँ भी, और रबी क्रॉप के लिए बेटा अपने फील्ड को तैयार कर रहे होते हैं, राइट। और इस टाइम क्यों इनका वेलकम, क्यों इनका स्वागत करते हैं, आगे दिया देखिए, डांगर्स फॉक्स मैन्यूर द फील्ड्स। अब डांगर के साथ जो बड़ी स्केल पे बेटा उनके एनिमल्स हैं, वो जिस फील्ड में बैठते हैं उस वहां वो गोबर वगैरह करते हैं, अपना मैन्यूर देते हैं एंड फेड ऑन द स्टबल्स। स्टबल्स होता है बेटा जो आप जैसे लावनी करते हैं या कोई भी क्रॉप हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद नीचे से जड़ बच जाती है छोटी मोटी, राइट। तो उन स्टबल्स को इनके पशु खाते हैं और वहां मैन्यूर देते हैं, राइट। एंड द कोकनी पीजेंट ऑल्सो गिव सप्लाई ऑफ राइस विच द शेपर्ड टुक बैक टू प्लेटू। इसके अलावा देखिए, एक तो उनको उनके पशुओं के लिए स्टबल्स मिल गया, वहां उनको कुछ बेनिफिट भी होते हैं, कुछ लोग पैसे भी देते हैं आजकल, और कुछ लोग उन्हें ग्रेन्स वगैरह राइस वगैरह देते हैं, जिसको वो चलते वापस जाते टाइम अपने प्लेटू एरिया में ले जाते हैं, ठीक है। वेयर ग्रेन वॉज स्कैर, जहां पे ग्रेन वगैरह पॉसिबल नहीं है, तो उनको यहां से ये एक्सचेंज ऑफर मिल जाता है बेटा। विद द ऑनसेट ऑफ मानसून द डांगर लेफ्ट द कोकन, और जैसे मानसून टाइम आता है जून जुलाई नेक्स्ट ईयर बेटा, तो 6-7 महीने सर्वाइव करते हैं, और मानसून ऑनसेट मानसून स्टार्टिंग होती है बेटा, तब ये डांगर्स लेफ्ट टू कोकण एंड कोस्टल एरियाज विद देयर फ्लॉक एंड रिटर्न टू देयर सेटलमेंट। तो इस एरिया को छोड़ के बेटा ये वापस अपने सेंट्रल ड्राई एरिया में चले जाते हैं। द शिप कुड नॉट टॉलरेट द वेट मानसून कंडीशन। अब यहाँ लॉजिक दिया जो हमने ऊपर देखा था ना, मानसून में ये इस एरिया में क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जो शिप्स हैं बेटा, जो इनका हर्ड्स का एक बड़ा पार्ट है, वो बेटा मानसून कंडीशन को टॉलरेट नहीं कर सकती है, इतनी बारिश में वो सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है।
इसके साथ बड़े बॉक्स दिया, देखिए ऊपर पिक्चर दिए जो राजस्थान की दी है, राइट, जो आगे एग्जाम्पल आएगा भी आपका। तो यहाँ पिक्चर है रेकास से रिलेटेड है, राजस्थान के ट्राइब से रिलेटेड, रेकास कैमल ग्रेजिंग ऑन द थार डेजर्ट इन वेस्टर्न राजस्थान, जब कुछ नहीं होता, स्कब्स वगैरह होती है बेटा उस एरिया में, यही एनिमल है सर्वाइव जो करता है, इसको रेका कैमल बोलते हैं बेटा। ओनली कैमल कैन सर्वाइव ऑन द ड्राई एंड थॉर्नी बुशेस दैट कैन बी फाउंड हियर, बट टू गेट इनफ फीड दे हैव टू ग्रेज ओवर ए वेरी एक्सटेंसिव एरिया, तो इनको बहुत बड़े एरिया में ट्रेवल करना पड़ता है अपने पेट वगैरह भरने के लिए। यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स है बेटा, खरीफ ऑटम क्रॉप्स यूजुअली हार्वेस्ट बिटवीन सितंबर अक्टूबर, ठीक है, रबी स्प्रिंग क्रॉप यूजुअली हार्वेस्ट इन मार्च, स्टबल सो द लोअर एंड ऑफ द ग्रेन स्टैक्स लेफ्ट इन ग्राउंड आफ्टर हार्वेस्टिंग, जो नीचे का टुकड़ा बचता है वो बेटा। चलिए नेक्स्ट टाइम में चलते हैं बेटा, यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा कर्नाटक का एग्जाम्पल दिया है। सो मानसून कंडीशन के बाद हम बात करते हैं कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, अगेन द ड्राई सेंट्रल प्लेटू वॉज कवर्ड विद स्टोन एंड ग्रासेस, तो यहाँ जो सेंट्रल प्लेटू वो बेटा पत्थरों से भरा हुआ है, ग्रासेस से है, राइट। तो यहाँ पे कुछ ट्राइब्स हैं जो सर्वाइव करती है, देखिए इनहेबिटेड बाय कैटल गोट एंड शीप हर्डर्स, तो यहाँ भी कैटल गोट और शीप हर्डर्स हैं। यहाँ पे जो ट्राइब है उसका नाम है गोलास, नोट कर लेना प्लीज। तो आज जो पहली पढ़ी है डांगस बेटा महाराष्ट्र में, अब आंध्रा में पढ़ रहे हैं गोलास, ओके। द कुर्मास एंड कुर्बास रीड शीप एंड गोट्स, इसके अलावा दो और है ट्राइब्स, ये तो कैटल्स पालती है, पशु पालती है बेटा, और कुर्मास कुर्बास है ये शीप्स एंड गोट्स रीयर करते हैं, राइट, सोल्ड वुवन ब्लैंकेट और उनकी वूल से बने हुए ब्लैंकेट सेल करते हैं। दे लिव नियर द वुड्स, वुड्स मीन्स फॉरेस्ट वगैरह के आसपास, कल्टिवेट स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, एंगेज इन द वैरायटी ऑफ पेटी ट्रेड एंड टू केयर ऑफ देयर हर्ड्स। तो देखिए दो तीन एग्जांपल इनके, देखिए ये कई काम करते हैं एक्टिविटीज, कल्टिवेट भी करते हैं, छोटा मोटा ट्रेड भी करते हैं, ऑलराइट, और अपने हर्ड्स का भी ध्यान रखते हैं। अनलाइक द माउंटेन पैसिफिस इट वॉज नॉट द कोल्ड एंड स्नो दैट डिफाइन द सीजन रिदम, यहाँ कोल्ड और स्नो की वजह से सीजन डिफाइन नहीं होते हैं, रिदम नहीं होती है, मूवमेंट नहीं होता है, रेदर इट वॉज अल्टरनेटिव ऑफ मानसून, यहां भी कह रहे अल्टरनेशन ऑफ मानसून ही है बेटा, जैसा हमने डांगर्स का पढ़ा था, मानसून आता है तो वापिस ईस्टवर्ड चले जाते हैं, मानसून जब खत्म होता है तो वापिस वो वेस्ट में कोकन तक आते हैं, ठीक है। तो यहां पे बेटा मानसून का अल्टरनेशन है ड्राई और वेट सीजन, उसी की वजह से इनकी मूवमेंट होती है। इन द ड्राई सीजन दे मूव टू द कोस्टल स्टेट, यहां भी जब ड्राई सीजन होता है वो कोस्टल बेल्ट पे चले जाते हैं, एंड लेफ्ट वेन द रेन केम, जब बारिश आती है तो वापिस आ जाते हैं। ओनली बेफेलो लाइक द स्वैम्पी वेट कंडीशन आर कोस्टल एरिया ड्यूरिंग द मानसून मंथ, अदर हर्ड्स हैज शिफ्टेड टू द ड्राई प्लेटू, सिर्फ यहाँ एक ही इनका जो हर्ड्स है दैट इज बेफेलो, वो बेटा पूरे साल सर्वाइव कर सकता है कोस्टल एरिया में मानसून वगैरह को, क्योंकि ये दलदली प्राणी है तो मानसून में सर्वाइव करता है, बाकी सारे शीप्स है गोट्स है वो वापिस शिफ्ट करने पड़ते हैं ड्राई प्लेटू में, ठीक है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हमारा आंध्र प्रदेश का गोलास कुर्मास एंड कुर्बास, तीनों को नोट करना प्लीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं, दैट इज बंजाराज, ये बहुत पुरानी बेटा हमारी एक ट्राइब कम्युनिटी है, देखिए बंजाराज और येट अनदर वेल नोन ग्रुप ऑफ ग्रेजर्स, इनके साथ भी पशु होते हैं तो इनको ग्रेजर्स और नॉमेड्स में भी काउंट करते हैं बेटा। दे वर टू बी फाउंड इन विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश पंजाब राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, तो कई डिफरेंट स्टेट में बेटा ये कम्युनिटी मिलेगी आपको। इन सर्च ऑफ फूड एंड पॉस्चर फॉर द कैटल्स दे मूव ओवर लॉन्ग डिस्टेंस सेलिंग प्लो कैटल्स एंड अदर गुड्स टू विलेजेस इन एक्सचेंज फॉर ग्रेन एंड फॉर, तो अपने पशुओं के साथ बड़ा लंबा ट्रेवल करते हैं, लंबे डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, और इसके साथ साथ बेटा ये एक्चुअल टूल्स और डिफरेंट चीजें ग्रेन फॉर्डर ये एक्सचेंज करते हैं जिससे इनका सर्वाइव करते हैं, ठीक है। यहाँ सोर्स बी दिया बेटा उसे देख लेते हैं, द अकाउंट ऑफ मेनी ट्रेवल्स टेल अस अबाउट द लाइफ ऑफ पैसेज ग्रुप इन द अर्ली 19th सेंचुरी, बुचानन विजिट द गोलास ड्यूरिंग हिज ट्रेवल थ्रू द मैसूर हिलॉट, तो यहाँ कोई बुचानन है उसने बेटा अपना वर्णन किया यहाँ पे, इसको देख लेना प्लीज। अब चलते हैं आगे बेटा, नेक्स्ट है डेजर्ट राजस्थान रेकास, जो हमने पीछे पिक्चर देखी थी लास्ट पेज में कैमल वाली, उसी रिलेटेड है रेकास, राजस्थान में इन ट्राइब्स को बोलते हैं रेकास, जो पैस्टोरलिस्ट है जो पशु वगैरह पालते हैं, और मेनली इनका पशु जो है कैमल है बेटा। तो इस पैस्टोरलिस्ट की बात करते हैं रेकास की, देखिए द रेन इन द रीजन वॉज मीगर, मीगर मीन्स नील, बहुत कम होती, कई बार होती नहीं है, एंड अनसर्टेन ऑन द कल्टिवेशन एंड हार्वेस्ट फ्लक्चुएट एवरी ईयर, और दूसरा कल्टिवेशन की बात करें बेटा वो फ्लक्चुएट करता है, बारिश अच्छी तो हो जाता है कई बार नहीं होता है, और वास्ट नो क्रॉप कुड बी ग्रोन, और काफी बड़ा एरिया राजस्थान में ऐसा है बेटा वेस्टर्न राजस्थान में जहां कोई क्रॉप होती नहीं है। सो द रेकास कंबाइन कल्टिवेशन विद पैस्टोरलिज्म, तो इसलिए इनका मजबूरी है बेटा, एरिया ऐसा है तो इनको कल्टिवेशन के साथ पैस्टोरलिज्म करना पड़ता है, इसके बिना वो सर्वाइव इस डेजर्ट में नहीं कर सकते, ठीक है।
देखिए ड्यूरिंग द मॉनसून द रेकास ऑफ बाड़मेर, बाड़मेर जैसलमेर जोधमेर बीकानेर, बेटा सारे पाकिस्तान बॉर्डर के साथ और प्योर डेजर्ट एरिया में है, आर स्टेड इन देयर होम विलेज। तो मॉनसून होता है, बारिश आती है, तब ये घर पे रहते हैं क्योंकि आसपास बारिश होती है, थोड़ा बहुत ग्रास वगैरह होती है जिससे इनके एनिमल सर्वाइव करते हैं। वेयर पॉस्चर वॉज अवेलेबल, देखिए यहाँ लाइन दी ना, पॉस्चर यानी घास इस टाइम अवेलेबल होती है। बाय अक्टूबर व्हेन द ग्रेजिंग ग्राउंड्स वर ड्राई एंड एग्जॉस्टेड, और जैसे अक्टूबर आता है बेटा ह्यूमिडिटी कम होती है तो यहाँ ग्रेज लैंड कम हो जाती है, एंड रिटर्न अगेन ड्यूरिंग द नेक्स्ट मॉनसून। तो इसके बाद बेटा दे मूव टू द सर्च ऑफ पॉस्चर इन वाटर, तो पॉस्चर वाटर के लिए वो मूवमेंट शुरू करते हैं पूरे राजस्थान में, पशु चराने के लिए कई किलोमीटर वो ट्रेवल करते हैं बड़े एरिया में और वापस अगले मानसून के पास वो वापस आते हैं। वन ग्रुप ऑफ रेकास नोन एज मारू रेकास, इसको नोट करना बेटा, मरु जो वर्ड है ये हिंदी का, मरु मीन्स मरुस्थल डेजर्ट, तो मरु रेकास है। हर्ड कैमल एंड अनदर ग्रुप रियर्ड शीप एंड गॉड, तो जो मरु रेकास है बेटा वो कैमल्स रियर करते हैं और दूसरे ग्रुप जो है वो शीप और गोड्स रियर करते हैं, ठीक है, इज क्लियर, इनको डिफ्रेंशिएट कर लेना। ओके यहाँ पे राइट साइड में फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया बेटा, जैसे हमने पीछे मंडप पढ़ा था, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कैमल हर्डर्स इन द सेटलमेंट, तो दिस इज द थर्ड डेजर्ट नियर जैसलमेर राजस्थान, द कैमल हर्डर्स ऑफ रीजन मरु रेकास एंड देयर सेटलमेंट इज कॉल्ड ढांडी। इनका जो सेटलमेंट ऊपर दिख रहा है मिट्टी का घर, ऊपर झोपड़ी है, तो बेटा जिस घरों में रहते हैं उसको ढांडी बोलते हैं, DHANDI, ये रिपीट कर रहा हूं बेटा, बार बार आया है NTSC में, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट पेज, यहाँ पे फिर एक पिक्चर दी है बेटा फेयर की, दिख रही होगी राजस्थान में फेयर काफी बड़े बड़े होते हैं, मेले वगैरह, तो कैमल फेयर इन द बलोट्रा इन वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान का काफी बड़ा कैमल फेयर है बलोट्रा। कैमल हर्ड्स कम फ्रॉम फेयर टू सेल देयर एंड बाय कैमल, तो बहुत से हर्डर्स यहाँ अपने बेचने और खरीदने कैमल्स आते हैं। द मरु रेकास ऑल्सो डिस्प्ले देयर एक्सपर्टाइज इन ट्रेनिंग देयर कैमल, तो मरु रेकास भी अपना एक्सपर्टेशन जो दिखाते हैं कि वो कैमल्स को कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं। हॉर्स फ्रॉम गुजरात ऑल्सो ब्रॉड, यहाँ पे गुजरात से हॉर्स वगैरह भी आते हैं बेटा सेल होने के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं बेटा आगे, सो वी सी दैट द लाइफ ऑफ दिस पैस्टोरल ग्रुप इज सस्टेन्ड बाय द केयरफुल कंसीडरेशन ऑफ होस्ट ऑफ फैक्टर्स, तो कई फैक्टर बेटा इनको कहीं ना कहीं इनकी लाइफ सस्टेन करने में हेल्प करते हैं। दे हैड टू जज हाउ लॉन्ग द हर्ड्स कुड स्टे इन वन एरिया, अब हम कहते हैं बेटा अनपढ़ आदमी है ये, लिटरेट है, बट ये बहुत फैक्टर्स का ध्यान रखते हैं, वन बाय वन देख लीजिए। पहली बात कर रहे हैं लॉन्ग द हर्ड्स कुड स्टे इन वन एरिया, अब इनको इसकी नॉलेज होती है कि इनके हर्ड्स कितने दिन एक एरिया में स्टे कर सकते हैं, डिसीजन इनको लेना है और वो अपने एक्सपीरियंस से लेते हैं, ठीक है, नॉलेज से। एंड नो वेयर दे कुड फाइंड वाटर पॉस्चर, दूसरा रीजन दे दिया यहाँ, उनको पता होता है कहाँ इस टाइम पानी या पॉस्चर लैंड मिलेगी, इसको नॉलेज होती है इनको। दे नीडेड टू कैलकुलेट द टाइमिंग ऑफ देयर मूवमेंट, अपने मूवमेंट की टाइमिंग भी इनको कैलकुलेट करनी होती है, स्पीड के अकॉर्डिंग कब कितने बजे कहाँ पहुंच पाएंगे, तो इनको कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है। एनश्योर दैट दे कुड मूव थ्रू डिफरेंट टेरिटरीज, एनश्योर दैट, और इनको डिफरेंट टेरिटरी से मूव करना है, इसका भी इन्हें ध्यान रखना है। दे हैड टू सेटअप रिलेशन विद फार्मर्स एंड वे दैट द हर्ड्स कुड ग्रेज इन हार्वेस्ट फील्ड, अब इनको देखिए बड़ा अच्छा सोशल रिलेशन बनाए रखने पड़ते हैं फार्मर से, जिससे उनके ग्रेजिंग में प्रॉब्लम ना हो, इनके एरियाज में वो इजिली बेटा हार्वेस्ट फील्ड वगैरह में अपने पशु चरा सके। एंड मैन्यूर द सॉयल, बदले में मैन्यूर का ऑप्शन होता है उनके लिए। दे कंबाइन ए रेंज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज कल्टिवेशन, अब देखिए डिफरेंट एक्टिविटीज से कहीं ना कहीं सर्वाइव करते हैं इस एरिया में, कल्टिवेशन है, ट्रेड है, हर्डिंग है, टू मेक देयर लिविंग, इससे बेटा उनका जीवन चलता है, तो काफी स्ट्रगलफुल लिविंग है। अब दो तीन पिक्चरों के साथ टॉपिक एंड करते हैं, हाउ डिड द लाइफ ऑफ पैस्टोरल्स चेंज अंडर कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल में कैसे हुई वो आगे पढ़ेंगे। यहाँ एक और पिक्चर थी बेटा कैमल फेयर इन पुष्कर, ये अजमेर के साथ राजस्थान में है द कैमल फेयर इन पुष्कर, ये भी काफी फेमस है बेटा, बड़ा फेयर है और यहाँ भी पूरे राजस्थान से लोग परचेज और सेल करने के लिए आते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये आपको पिक्चर दिखेगी राजस्थान के ग्रुप की बेटा, और इसके नीचे भी यहाँ एक सेंटर में एक पर्सन बैठा दिख रहा आपको, टिक कर रखा है, इनके बारे में एक क्वेश्चन है यहाँ, देखिए ए मरु रेकास जिनोलॉजिस्ट, जिनोलॉजिस्ट विद ए ग्रुप ऑफ रेकास, तो बीच में जो जर्नलिस्ट बैठा उसकी बात करते हैं। द जिनोलॉजिस्ट री अकाउंट द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी, वो रेकास की हिस्ट्री को री अकाउंट करता है, रिकाउंट करता है, मीन्स याद रखता है, एक दूसरे को सुनाता है, वर्बली ट्रांसफर करते हैं। सच ओरल ट्रेडिशन गिव पैस्टोरिस्ट ग्रुप देयर ओन सेंस ऑफ आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को खोते नहीं, अपनी हिस्ट्री जानते रहते हैं इनके थ्रू। एंड दिस ओरल ट्रेडिशन कैन टेल अस अबाउट हाउ द ग्रुप लुक एट इट्स ओन पास, अपने पास के बारे में जानते हैं वो इन्हीं से, ठीक है।
लास्ट पिक्चर नीचे दी है, इसमें भी एक आपका क्वेश्चन है बेटा। ये देखिए आपको सेमी इरिड या इरिड रीजन दिख रहा है जिसमें शीप हर्डर्स घूम रहे हैं। यहाँ पे है बेटा मलधारी, ये कई बार क्वेश्चन बना है आपका। मलधारी हर्डर्स मूव इन सर्च ऑफ पॉश्चर, ये भी बेटा पॉश्चर लैंड के लिए ट्रेवल करते हैं, ये भी पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है मलधारी। एंड द विलेज आर रन ऑफ कच्छ, इनके गांव कहाँ है, रन ऑफ कच्छ में। रन ऑफ कच्छ मीन्स जो गुजरात है बेटा इसका नॉर्थन पार्ट, इसको रन ऑफ कच्छ बोलते हैं, ये आपके डेजर्ट एरिया में ही काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ आपका ये टॉपिक और होता है बेटा। प्लीज इसके बाद कुछ केस स्टडी दिए उन्हें पढ़ेंगे और कॉलम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।